नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल योजना ऑनलाइन पर दोस्तों एक बार फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं अगर आप भी मानदेय पर कार्य कर रहे हैं तो दोस्तों यह जानकारी आपके लिए है क्योंकि योगी जी द्वारा बड़ी घोषणा कर दी गई है दोस्तों जो आंगनबाड़ी के तहत कार्य कर रहे हैं आंगनबाड़ी में कार्य कर रहे हैं चाहे वे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हो या फिर आंगनबाड़ी सहायिका हो उन सभी की मानदेय में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है अब दोस्तों योगीज द्वारा क्या क्या घोषणा की गई है आपको यहाँ पे संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है और किस मानदेय व्यक्ति को कितनी बढ़ोतरी करके यहाँ पे मानदेय दिया जाएगा उसके बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी दी जाएगी साथ ही दोस्तों जो घोषणा की गई है उसमें यह भी की गई है कि जिन व्यक्तियों का जो मानदेय है वह है। दोस्तों यहाँ पर बढ़कर मिलेगा या फिर दोस्तों कब इनका यहाँ रुका हुआ मानदेय मिलने वाला है उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी जाएगी क्योंकि योगी सरकार द्वारा यहाँ पर बड़ा जो लाभ है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मिलने जा रहा है अब दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको पे संपूर्ण जानकारी देते हैं कि किस व्यक्ति को कितना महानदेय सरकार द्वारा बढ़कर अब दिया जाएगा दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जैसे ज्यादा शेयर भी करें ताकि और भी व्यक्ति इसका लाभ उठा सके दोस्तों इसके बारे में जान सके और वीडियो को पूरा वॉच करेगा तभी आप जान पाएंगे कि किस मानदेय में कितनी बढ़ोतरी की गई है और किस व्यक्ति को कितनी बढ़ोतरी कर यह मानदेय मिलने जा रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राष्ट्रीय पोषण माह दो की शुरुआत की और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि सरकार आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं कार्यकर्ताओं मानदेय बढ़ाने की दिशा में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है कि दोस्तों जो मानदेय पर कार्य कर रहे हैं मानदेय पर कार्य कर रहे हैं जो व्यक्ति उनका मानदेय सरकार द्वारा अब बढ़ाया जा रहा है वहीं दोस्तों मंगलवार को लोक भवन के सभागार में राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत के बाद आयोजित समारोह की समारोह को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कहा है कि कोरोना काल में जब अच्छे अच्छे लोग क्वारंटीन में घर में बंद थे तो यहाँ पे बताया गया है कि आशा कार्यकर्ताओं और दोस्तों यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं लोगों के घर घर जाकर दवाई उपलब्ध करा रही थी और अगर सिंगनी सॉरी दोस्तों यहाँ पे निगरानी समितियों के माध्यम से दोस्तों निगरानी समितियों के माध्यम से ये लोग यह कार्य नहीं करते तो आप समझ सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो योगी सरकार द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर बताया कि मुश्किल समय में यहाँ पर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उन्होंने अच्छा काम किया है और लोगों के घर घर जाकर उनकी जरूरतों को पूरा किया है यानी कि जो उन्हें दवाई चाहिए थी वह उनकी जरूरतों को पूरा किया है और अच्छा कार्य यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने निभाया है तो दोस्तों इनको लेकर सरकार द्वारा अब इनके मानदेय में बढ़ोतरी करने जा रही है दोस्तों मानदेय में सरकार द्वारा बढ़ोतरी होने जा रही है जो भी मानदेय पर कार्य कर रहे हैं उनको अब सरकार द्वारा यहाँ पर जो मानदेय दिया जाएगा वह बढ़ाकर दिया जाएगा अब दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि जिन व्यक्तियों का यहाँ पे मानदेय बढ़ा हुआ है यानी कि रुका हुआ है दोस्तों उनका मानदेय भी यहाँ पर बढ़कर दिया जाएगा चाहे आपका यहाँ पे दो महीने का तीन महीने का फिर चार महीने का चाहे फिर जितना भी दोस्तों यहाँ पे मानदेय बढ़ा हुआ है यानि कि रुका हुआ है सोरी दोस्तों रुका हुआ है उनको यहाँ पर बढ़ाकर मानदेय दिया जाएगा ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर जो जो भी व्यक्ति जो भी व्यक्ति यहाँ पर कार्य कर रहे हैं चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हो उनका मानदेय सरकार द्वारा बढ़ाया जा रहा है आगे जानकारी दी गई है वहीं दोस्तों योगी ने कहा है कि इनके अच्छे कार्य को ध्यान में रखकर ही सरकार ने निश्चित किया है कि आंगनवाड़ी और सहायक का कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने का काम करेंगी और सरकार उस दिशा में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है यानी कि दोस्तों जो यहाँ पे मानदेय बढ़ाया जाएगा उसके लिए कार्य शुरू हो चुका है और विभाग की विभाग इसकी कार्य योजना तैयार कर रहा है यानी कि जिनका मानदेय यहाँ पर बढ़ाया जाएगा उनका दोस्तों यहाँ पर वा डाटा देखा जा रहा है और उन सभी का मानदेय बढ़ाकर दिया जाएगा साथ ही दोस्तों यहाँ पे आगे बताया गया कि साथ ही विभाग को मैंने या दोस्तों योगी आदित्यनाथ यह बोल रहे हैं कि साथ ही विभाग को मैंने यह भी कहा है कि इनका जो पिछला बकाया मानदेय है उसका तत्काल भुगतान करने की व्यवस्था कर दे यानि कि जिन व्यक्तियों का जिन महिलाओं का मानदेय रुका हुआ है काफ़ी समय से या फिर दो या तीन चार महीने से जितना भी मानदेय रुका हुआ है उन सभी का मानदेय यहाँ पर बढ़ा कर दिया जाएगा ठीक है दोस्तों तो अगर आप भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं कतरी हैं फिर आंगनबाड़ी सहायिका हैं जो भी आप मानदेय के लिए कार्य कर रही हैं तो दोस्तों मानदेय यहाँ पर सरकार द्वारा बढ़ा जा रहा है शायद दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक आंगनबाड़ी के तहत आवेदन नहीं किया है और आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन के लिए दोस्तों आंगनबाड़ी भर्ती कराई जा रही है और कुछ जिलों में ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं अगर आप करना चाहते हैं आवेदन तो आप करते कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों कुछ जिलों में करीब पचास जिलों में ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया थी दोस्तों वह समाप्त हो चुकी है और अभी कुछ बाकी जिले बचे हुए हैं जिनमें लगातार आवेदन चल रहे हैं और दोस्तों कुछ जिलों में विज्ञापन भी जारी कर दिए गए हैं तो दोस्तों ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएगा अगर दोस्तों आपके यहाँ पे मानदेय रु रुका हुआ है आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें क्योंकि दोस्तों हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ से हेल्प की जाए और दोस्तों जितना भी यहाँ पर हो सके उसकी हेल्प की जाए तो आपसे हमारा निवेदन है कि अगर आपकी कोई समस्या है मानदेय को लेकर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों